अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा ब्लॉग गाइस। तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ वापस से। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक। आज मेरे दोस्तों के साथ मैं मस्जिद को जाने वाला हूँ, जो कि उस मस्जिद का नाम है खादरिया। बेंगलोर की बहुत बड़ी मस्जिद है, तो आपको उसका एक व्यू भी दिखा दूँगा। और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। मज़ा आता है यार, बहुत दोस्तों के साथ फिरते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो अभी मैं घर में हूँ। अभी टाइम है शायद, एक मिनट, अभी टाइम 12:40 है। तो मैं अभी 12:45 को यहाँ से निकलूँगा, दोस्त को पिकअप करूँगा, फिर मस्जिद को जाऊँगा। चलिए ठीक है गाइस, वहाँ का। तो गाइस हम आ चुके हैं। आपको पीछे उधर मीनारें दिख रहे हो क्या? उधर है, उधर मीनारे हैं। बेंगलुरु की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद आती है वो। मैं मेरे दोस्तों के साथ आया हूँ, फुरखान है और महाज है। तो हाँ, हर साल जुम्मा जुम्मा हम इसी मस्जिद को आते हैं। तो इंशाल्लाह जुम्मा जुम्मा कुछ अलग व्लॉग होगा। धूप ज़्यादा है तो फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा फ़ोटो शूट चल रहा है इधर। तो अब जाते हैं, आपको फ्रंट से एक व्यू दूंगा मस्जिद का। माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। और ये आप जितना भी एरिया देख रहे हैं खुला खुला, ये सारा इधर का सिर्फ पार्किंग लॉट है। तो ये बहुत बड़ी मस्जिद है और इधर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है पीछे। तो आपको उधर जाके फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। डन विथ माई प्रेयर नाउ। तो हम खादरिया मस्जिद के बाहर हैं। आपको अंदर से व्यू नहीं ले पाया क्योंकि इधर काफ़ी सारा रश था, काफ़ी सारे आदमी थे। हर जुम्मा यहाँ कम से कम 5,000-4,000 से आदमी आते रहते हैं नमाज़ पढ़ने, तो इसलिए अंदर वीडियो लेना बहुत मुश्किल। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ है मेरे गर्दन पर, ये थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी बेंगलुरु में, तो इसलिए थोड़ा ये जो भी बोलते हैं कुछ हुआ है मुझे गर्मी के लिए। और ये काफ़ी अच्छी जगह है यार फ़ोटो शूट करने के लिए, बहुत मस्त जगह है। उधर काफ़ी सारे आम के झाड़ हैं, तो नमाज़ के बाद इधर काफ़ी सारे बच्चे आकर आम तोड़ते हैं और लेके घर लेके जाते हैं, इधर ही खाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत बड़ी है। तो अंदर से वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि बहुत रश था। और इधर से आप मीनारें देख सकते हैं, इधर से एक वीडियो दिखाऊँगा आपको। इधर देख सकते हैं, अभी इधर ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो उधर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है और इधर से आप मीनार देख सकते थे। और तो आप देखते हैं, अब 5 मिनट छोड़कर हम बाहर निकलेंगे। तो गाइस सभी कुछ प्लान बन नहीं रहा है और इधर फोटो शूट चल रहा है। जगह बहुत पीसफुल है यार, घर का जाना मन ही नहीं कर रहा, काफ़ी पीसफुल है। इधर देखें आम सब पड़े हैं नीचे, आम आम मुझे कितना अच्छा आम आम देखिए आम मास मास आम मैंगो अरे मैंगो ले खा ले करो करो फोटो शूट आम के बाजू करो। तो ये फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है यार, फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। अभी कुछ प्लान बन नहीं रहा है तो पता नहीं क्या होगा। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल जगह है। अगर आप बेंगलुरु में रह जाएं तो खादरिया आना ही चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल है यार, क्या बताऊं। देखिए फ़ोटो शूट सब ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा ईदगाह है। तो अभी कुछ प्लान बना नहीं है,
तो अगर प्लान बनागा तो कहीं जाएंगे हम, तो शिवाजी नगर या आरटी नगर में काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं खाने के लिए, तो उधर जाके वीडियो बनाने की इच्छा देखें। तो मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ा बिजी था और काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव था मैं यूट्यूब में, लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं वीडियो डालता रहूँगा। और हम घर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका भी अलग से वीडियो आएगा, और मैं एक न्यू पेट लेने वाला हूँ। इस बार स्विम वाला पेट नहीं और चलने वाला पेट नहीं, ये दरअसल उड़ने वाला पेट है। आपको पता चल गया होगा कि वो बर्ड है, लेकिन कोसा है आपको नहीं पता, एक सरप्राइज़ होगा। तो जैसे हम घर को शिफ्ट करेंगे, मैं केज लेके रखा हूँ, आपको केज दिखाऊंगा घर को जाकर, बहुत बड़ा केज है। और देखते हैं यार अभी जाके क्या करते हैं, इधर फ़ोटोशूट ही चल रहा है तभी से मेरे दोस्तों का। और चलिए गाइस चलते हैं, वैसे हम बाहर जा रहे हैं, तो क्लीन व्यू मिल जाएगा कि मस्जिद कितनी बड़ी है। देख सकते हैं फ्रंट गेट है आगे, थोड़ा जूम इन, आई फोकस ही नहीं हो रहा, फोकस। देखिए फ्रंट गेट है, मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो कहाँ जा रही हूँ मुरब हमें, आरटी नगर जा रही, लस्सी शॉप जा रही, प्लाना पड़ रही, कैंसिल हो रही, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। दिखता क्लियर ये एंट्रेंस है इसका, तो के देखेंगे वो ये पॉजिटिव वो सी प्रो गाड़ी है, हिमालय टावर देखो गाइस क्या बड़ा है, हमारे बेंगलुरु का बुर्ज खलीफा है, बेंगलुरु बुर्ज खलीफा रहा बा बेंगलुरु का बुर्ज खलीफा है, माशा अल्लाह। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, तो काफ़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी ये, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था उस मस्जिद में। तो इंशाल्लाह हर फ्राइडे हम उस मस्जिद और काफ़ी एडवेंचर वीडियोस लाएंगे, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल होगा उसे ऑन कर दीजिएगा। तो एज़ ऑलवेज बाय गाइस, खुदा हाफिज़।